खैर अफसोस की बात है कि हम हार गए। आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहली बार जीत गया। बाकी देखो, हार जीत हम चाहते थे कि हम जीते, बट बहुत सारी चीज़ों में देखे तो आज पाकिस्तान अच्छा खेला, और अच्छा खेला इस वजह से। देखो, खेल को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। आज वाकई में वो लोग बहुत अच्छा खेले। अफसोस तो दिल से बहुत हो रहा है, दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि इंडिया जीते। हर कोई चाहता है, मैं ही नहीं, हर कोई चाहता है कि इंडिया जीते। बट फाइनली आज हमें हार का मुंह देखना पड़ा। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे थे। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस एक बहुत बड़ा रीज़न है, या फिर शायद टॉस हारे थे जीते थे, मुझे नहीं पता। पर उससे जो फर्स्ट बैटिंग करना, क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत सबसे पहला जो मुझे लगा कि जिसकी वजह से हारे, वो जो पहले बैटिंग आई है हमारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और जब आप पहली प्रेशर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जब आप पहली बार मतलब फर्स्ट बैटिंग करते हो, तो उसमें इतना प्रेशर झेल के इंसान धीरे धीरे खेलने की कोशिश करता है, और नर्वस भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, केएल राहुल, रोहित शर्मा, वो चल ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये गलत हुआ हमारे साथ। एक दो डिसीजन में बताए जा रहे हैं कि गलत है, बट जो भी है, ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहला रीज़न ये था कि इंडिया फर्स्ट बैटिंग किया, वहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि नर्वस बहुत ज़्यादा थे। नर्वसनेस होती है क्योंकि बहुत बड़ा मैच था, ठीक है, ये कोई छोटा मैच नहीं था। आप सोचिए कि ऑलमोस्ट कितने 2-2.5 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान एक साथ खेल रहे हैं, इतना प्रेशर होता है ऊपर से। तो इस वजह से ये पहला रीज़न था जिसमें हमें हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरा, हमारे जो बैट्समैन थे, जो शुरुआती बैट्समैन थे, केएल राहुल से बहुत उम्मीद थी, रोहित शर्मा से बहुत उम्मीद थी, वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दूसरा ये रीज़न था। और तीसरा रीज़न एक्चुअल में ये था कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेला एक्चुअली। एक तो रन बहुत कम थे, फिर ऊपर से जो ओपनिंग बैट्समैन थी, अफसोस की बात है कि मैं एक भी विकेट नहीं ले पाए। वहाँ से अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और यहाँ से बाबर आजम ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, और उसके साथ रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों ने दोनों जिता के ले गए, हाथ से मैच निकल गए। तो वाकई में देखो, वेल प्लेड कहना चाहिए। दिल तो अंदर से अफसोस कर रहा है कि यार ये क्या हो गया, बट अगर कोई अच्छा खेला है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वो लोग अच्छा खेले, नो डाउट, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है।